और अब बात राजधानी दिल्ली की। अगले चुनाव तक दिल्ली की कमान आतिशी के हाथों में रहने वाली है, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर क्यों केजरीवाल ने आतिशी को ही अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना। सवाल यह भी होगा कि जो भरोसा केजरीवाल ने उन पर जताया है, उस पर आतिशी कैसे खरी उतरेंगी। चुनाव के बीच का ये समय बेहद चुनौतीपूर्ण है, इसीलिए आतिशी के लिए ये रास्ता अग्निपथ से कम नहीं होने वाला। कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। आखिरकार लंबे मंथन के बाद दिल्ली की सत्ता को केजरीवाल का उत्तराधिकारी मिल गया। हालांकि कयास तो पहले ही आतिशी के नाम के लगाए जा रहे थे, लेकिन औपचारिक मोहर बाकी थी जिसे आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में लगा दिया गया। यानी दिल्ली में अगले चुनाव तक आतिशी को सीएम ऑफिस भी देखना होगा और सचिवालय। लेकिन ऐसा क्या था कि कई नामों के बीच आतिशी के नाम पर मोहर लगी? दरअसल आतिशी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सबसे भरोसेमंद माना जाता है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल में रहते हुए उन्होंने पार्टी के स्टैंड को मजबूती से रखा। मुसीबत के दौर में आतिशी ने शिक्षा समेत 6 बेहद अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और सबसे अहम बात ये कि चुनौतियों के बीच उन्होंने पार्टी को बिखरने से रोक लिया। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। यानी अब दिल्ली को सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला सीएम मिलने जा रही है। लेकिन सियासत का चेहरा भी देखिए कि जैसे ही आतिशी के नाम पर मुहर लगी, स्वाति मालीवाल ने ट्वीट के जरिए तंज कस दिया। दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया गया है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिकाएं लिखी। उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उनको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। वैसे तो आतिशी सिर्फ डमी सीएम है, फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। उधर आतिशी के नाम के ऐलान के साथ ही विरोधी मुखर हो उठे हैं। मायावती ने एक्स हैंडल पर अरविंद केजरीवाल को घेर लिया। श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के सीएम पद से अब इस्तीफा देना वास्तव में जनहित जन कल्याण से दूर इनकी चुनावी चाल व राजनीतिक पैंतरेबाजी है, किंतु उनके लंबे समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता ने जो अनगिनत असुविधाएं और समस्याएं झेली उसका क्या, उसका हिसाब कौन देगा। वहीं बीजेपी ने एक पोस्टर के जरिए अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया और इस पोस्टर में आतिशी को अरविंद केजरीवाल की कठपुतली के तौर पर दिखाया गया। देखिए, इससे ये चीज समझ में आती है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करती है जिनके परिवार ने अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने का काम किया था। दिल्ली की जनता कभी भी नक्सल समर्थकों को नहीं स्वीकार सकती। इससे ये भी समझ में आता है कि दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी क्या दर्शाना चाह रही कि महिलाओं को वो पपिट और डमी के रूप में ट्रीट करती है। दिल्ली के हालात कुछ बदलने वाले नहीं है, भ्रष्टाचार वहीं का वहीं रहने वाला है। दिल्ली का विकास कार्य जो ठप पिछले कई महीनों से है वो ठप का ठप रहने वाला है, क्योंकि जो दिल्ली का सीएम होगा वो डमी सीएम है अरविंद केजरीवाल का। यानी आतिशी के लिए अब आने वाले दिन और चुनौतियों से भरे होने वाले हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आतिशी को सीएम बनाए जाने पर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी का लक्ष्य दिल्ली को विकास करना नहीं बल्कि सत्ता में बने रहना है। हमारे साथ संदीप दीक्षित हैं। संदीप दीक्षित जी, आतिशी के मुख्यमंत्री बनने से और केजरीवाल के पद छोड़ने से क्या फर्क पड़ जाएगा दिल्ली में? आपको क्या लगता है? आप तो दिल्ली में इतने दिन से काम कर रहे हैं। दिल्ली में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार वही है, इनके काम करने का तरीका वही है,
इनके लक्ष्य और उद्देश्य वही हैं। इनके कोई लक्ष्य उद्देश्य विकास करना नहीं है, इनके लक्ष्य उद्देश्य हैं पार्टी को सशक्त करना, उसकी जो खजाना होता है उसको भरे रखना, अपने अपने खजानों को भरे रखना और मुफ्तखोरी का मॉडल इस्तेमाल करके लोगों को अपने साथ रखना, उसके अलावा इनका कोई मॉडल नहीं। खजाना कैसे भरेंगे भाई? लिकर डील क्या थी? शराब घोटाला क्या था? उसके बाद के बस के घोटाले क्या थे जो तमाम इन पे FIR बनी हुई हैं, जिन पर इन्वेस्टिगेशन और ये सब क्या है? ये कोई भजन मंडली थोड़ी है ना, ये तो दूसरी तरीके का काम है ना, इसलिए हम कहते हैं क्या है ये? अगर भजन मंडली नहीं है तो ये लोग कौन है? बिजनेस हाउस है, मैं तो हमेशा मानता हूँ बिजनेस हाउस। और इसलिए मैं तो जैसे कल भी कह रहा था, लोगों ने पूछा कि ये सत्ता का हस्तांतरण होगा, मैंने कहा सत्ता का हस्तांतरण नहीं होगा, ये शेयर्स का हस्तांतरण होगा कि नया CEO कौन बनेगा, नया फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बनेगा, ये उस तरीके का इनके यहाँ डील होती है और चेयरमैन वही रहेगा। आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाए जाने पर किरण रिजिजू ने निशाना साधा, उन्होंने कहा दिल्ली का मुख्यमंत्री भ्रष्ट केजरीवाल हो या आतिशी, एक ही बात है। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और आज ही दिल्ली में मुख्यमंत्री चेंज कर दिया, आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है केजरीवाल की तरफ से। अरे ये आतिशी मरलेना के बारे में मुझे किसी ने बताया कि इनके नाम मरलेना है, ये मार्क्सिस और लेनिन दो नाम को जोड़ के नाम बनाया है। वो अब दिल्ली को भ्रष्ट केजरीवाल चलाए या मार्क्सिस लेनिन इस मरलेना चलाए, अब फरवरी में चुनाव आने वाला है, उसको दिल्ली की जनता इनको दिल्ली से हटाने जा रहे हैं। दिल्ली वालों ने जो गलती काम किए हैं केजरीवाल जैसे को मुख्यमंत्री बना करके, वो पछता रहे हैं। अन्ना हजारे चीख चीख करके रो रो करके कह रहे हैं कि बहुत बड़ा भूल हो गया है, केजरीवाल जैसे एक एनार्किस्ट अजारक क्या बोलते हैं उसको अराजक एक एनार्किस्ट अराजक, केजरीवाल जैसे अराजक को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया लोगों ने, ये गलती अन्ना जी ने किया उसको प्लेटफॉर्म दे करके। आतिशी को आप विधायक दल का नेता चुने जाने पर दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने क्या कुछ कहा, एक बार ये भी आपको सुनाते हैं। कैलाश गहलोत हमारे साथ बातचीत करने के लिए, कैलाश जी क्या कहेंगे नए मुख्यमंत्री आतिशी में? जी उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो CM साहब का सपना है कि दिल्ली की जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो उसको अच्छे से तरीके से निभाएंगे। कोई नाराजगी तो नहीं, कोई दिक्कत सामने, किसी और के नाम का प्रस्ताव आया? नहीं नहीं, कोई ऐसी कोई चीज नहीं, और यूनानिमसली इट वाज डिसाइडेड। आपका भी नाम चल रहा था रेस में बहुत आगे, क्या क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, देखिए ये तो कलेक्टिव डिसीजन होता है। मुख्यमंत्री ने और क्या कहा सर? मुख्यमंत्री ने क्या मंत्र दिया आगे चुनाव? सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए कैलाश गहलोत जो कि न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे यूनानिमसली जो है वो डिसीजन लिया गया और बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं आतिशी को। बीजेपी के मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ 2.5 महीने के लिए एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, यही केजरीवाल का महिलाओं के प्रति रवैया है। मजबूरी जब हो गई तब ये आदमी लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए बोलता है मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर तुम मुख्यमंत्री हो ही नहीं तो इस्तीफा किस बात का? कोर्ट ने आपको सस्पेंड कर दिया। अब सोचिए दूसरी बात, 9 साल 8 महीना खुद राज किए और जब अंत आता है तो एक महिला को बिठाया है 2.5 महीने के लिए। यही इनका महिलाओं से प्रेम है कि हम 9 साल 8 महीना रहेंगे और लास्ट में तुमको बिठा देंगे। चलो हम आतिशी जी को बधाई देते हैं। शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आतिशी एक डमी CM साबित होंगी। एक जेल वाला CM था जिसने 150 दिन जेल में रहकर CM-शिप चलाई, सरकार चलाई, फिर बेल वाला CM बना और अब एक डमी CM बनने वाला है। और ये डमी CM का शब्द मेरा नहीं है, ये सौरभ भरद्वाज का है, ये सोमनाथ भारती का है, ये उन तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं का है जो आकर कह रहे हैं कि अब जो भी मंत्री CM बनेगा, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो तो केवल खड़ाऊ CM बनेगा, वो तो केवल अरविंद केजरीवाल के लिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट बनकर CM बनेगा, केवल एक नाइट वॉचमैन की भूमिका में CM बनेगा। ये कहने का काम मैंने नहीं बल्कि सौरभ भरद्वाज ने किया है। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आतिशी को आप विधायक दल की नेता चुने जाने पर बधाई तो दी लेकिन केजरीवाल पर निशाना भी साधा।
तो माननीय आतिशी मार्लेना जी को बहुत बधाई। लेकिन ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर एक दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार है, सीएम का चेहरा कोई भी हो, दिल्ली के विकास कार्यों पे ये जो पूर्ण विराम लगा हुआ है, ये जो दिल्ली की दुर्दशा है, ये बनी रहेगी जब तक कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्योंकि दिल्लीवासी भी जानते हैं कि सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जैसी जो मूल सुविधाएं हैं, ये आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। एक दशक से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली के विकास कार्य में कुछ नहीं करा। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहाँ जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।